पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। हमने पिछले वीडियो में भी इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है। तो इरेशनल नंबर बेसिकली होते क्या है? अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर्स, अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रेशनल नंबर की क्या क्या क्वालिटीज होती है, कैसे होते हैं हमारे रेशनल नंबर, कैसे होते हैं हमारे रेशनल नंबर? रेशनल नंबर होते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, ठीक है, जिसमें q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है और हमारे p और q इंटीजर्स होते हैं, p और q इंटीजर्स होते हैं। ये चीज तो रेशनल नंबर के बारे में दिमाग में डाल लो। ये मैं रेशनल नंबर के बारे में बता रही हूँ अभी, कि मैं रेशनल नंबर के बारे में बता रही हूँ अभी, p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं। q की वैल्यू जीरो कभी भी नहीं हो सकती, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, और p और q इंटीजर होते हैं यहाँ पे, यानी कि प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बता रही थी कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के अपोजिट होते हैं, यानी कि वो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, इरेशनल नंबर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगी इरेशनल नंबर के। देखो जो भी जैसे नंबर है रूट हमारे, जैसे मान लो 0.2529725799, कुछ भी कोई भी नंबर जो आगे तक बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है और हमें उसका कोई एंड नहीं पता, यानी कि वो कहाँ खत्म होगा, किस नंबर तक खत्म होगा, या फिर कौन सा नंबर है वो शुरू होगा, तो ये क्या हो गए? इरेशनल नंबर। एक तो इस टाइप के इरेशनल नंबर होते हैं, और जैसे रूट में होते हैं रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, जो सिंप्लीफाई नहीं होते। अब जैसे रूट फोर सिंप्लीफाई हो जाता है, टू बन जाता है, तो ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है, ठीक है, ये रेशनल है। मतलब कहने का मतलब सारे वाले नहीं होते, सारे ही नहीं होते रूट वाले नंबर, अगर वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो वो एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से रूट सेवन, रूट सेवन, तो ये सारे क्या है हमारे इरेशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कि हमें प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो वो दो टर्म में भी हो सकते हैं या सिंगल नंबर में हो सकते हैं, जैसे ये वाला 3+√7, ये पूरी एक ही है, ये पूरा एक, इस तरह से भी हो सकता है हमारे पास, ये भी इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे इरेशनल नंबर होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। अब देखो हमारा क्वेश्चन, प्रूफ दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। हमें पता है कि रूट टू इरेशनल है, पर हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम दैट, हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो देयर मस्ट बी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे ए एंड बी, यानी कि देखो रेशनल नंबर है ये, तो हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो उसकी फॉर्मेट हो जाएगी, एक तरह से ए अपॉन बी की फॉर्मेट, ठीक है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है और को प्राइम भी है। को प्राइम क्यों है ए और बी? देखो ए और बी को प्राइम है, इसका मतलब कि ये इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है। कॉमन फैक्टर वन होने का मतलब कि ये दोनों सिर्फ वन की टेबल में ही साथ आते हैं। अब एग्जांपल लेके देखते हैं हम, थ्री और एट का, है ना, थ्री और एट सिर्फ वन की टेबल में कॉमन है और किसी टेबल में साथ में नहीं आते हैं। इसका मतलब थ्री और एट क्या है? को प्राइम नंबर, को प्राइम है इसका मतलब थ्री और एट, ठीक है। इसके बाद देखो ए अपॉन बी हो गया इस तरह से, फिर हम ए और बी को प्राइम है, यहां तक हमने कर लिया। फिर हम दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे, क्यों करेंगे इसको और फर्दर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि एक साइड तो हमारे पास हमें पता है इरेशनल नंबर है और दूसरी साइड हमारे पास वेरिएबल्स है, ठीक है। तो देखो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू, ए मल्टीप्लाई बाय ए, बी मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। तो रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू टू कैसे हुआ? देखो कोई भी नंबर होगा रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स कितना होगा? एक्स। यानी कि अगर टू टाइम्स कोई रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका नंबर
इटसेल्फ हमारा रिजल्ट होता है। तो इस तरह से रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू टू और नंबर सेम होंगे तभी हमारा आंसर वही आएगा नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ए मल्टीप्लाई में ए ए स्क्वायर हो गया, बी मल्टीप्लाई में बी बी स्क्वायर हो गया, आया समझ में। उसके बाद में हमने क्या किया, बी स्क्वायर को हम टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू टू बी स्क्वायर। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद में अब देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू टू बी स्क्वायर। ठीक है, अगला ध्यान से समझना, मैंने यहां लिखा है सिंस टू बी स्क्वायर इज इवन, टू बी स्क्वायर इज इवन, ये हमने कैसे लिखा, कैसे पता लगा कि हमें ये इवन है। देखो बी स्क्वायर है उसके आगे टू लगा हुआ है, टू से ही हमें चला कि ये इवन है। कैसे, क्योंकि टू में टू और टू के सारे मल्टीपल्स क्या होते हैं, इवन, टू और उसके मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब उसके टेबल में आने वाले जितने भी हैं। तो अब बी की वैल्यू कुछ भी हो पर उसके आगे टू लगा हुआ है यानी कि वो इवन ही होगा। ठीक है, और हमने ए स्क्वायर को टू बी स्क्वायर भी इक्वल में लिखा हुआ है यानी कि ए स्क्वायर भी इवन होगा। अगर ये इवन है और इसके इक्वल में ये लिखा हुआ है तो ये भी इवन होगा। ठीक है, टू बी स्क्वायर इज इवन, टू बी स्क्वायर इवन है इसलिए ए स्क्वायर इवन होगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर इवन हो गया। ठीक है, उसके बाद में इफ ए स्क्वायर इज इवन, अगर ए स्क्वायर इवन है तो ए भी इवन होगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर। अब टू भी इवन है, फोर भी इवन है, सही है ना। ठीक है, यानी कि स्क्वायर टू भी इवन है, जैसे कि टू का स्क्वायर है फोर, तो टू भी इवन है, फोर भी इवन है। तो यानी कि अगर ए स्क्वायर इवन है तो ए भी इवन होगा, अगर ए स्क्वायर ऑड होता तो ए भी ऑड होता, पर ये इवन है तो हमने इस वाली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब क्योंकि ए भी इवन हो गया, ए स्क्वायर की वजह से ए इवन हो गया, तो हमने किस तरह से लिख दिया, से ए इक्वल्स टू टू सी। मैंने क्यों लिखा है इसको टू सी के इक्वल, क्योंकि हमें पता चला कि ए इवन है तो यानी कि वो टू का ही मल्टीपल है, टू का मल्टीपल है इसलिए मैंने उसको टू, और सी एक मैंने नया एलिमेंट यहाँ पे नोट कर दिया। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकती है, अगर कुछ भी आप ऐड करोगे यहाँ पे तो ये ए की वैल्यू इवन ही आएगी। ठीक है, ए की वैल्यू इवन ही है क्योंकि ए क्या है अपना इवन, इसलिए मैंने ए इक्वल्स टू टू से लिखा था। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये कैसे होगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए, टू मल्टीप्लाई बाय टू, सी मल्टीप्लाई बाय सी, ए मल्टीप्लाई बाय ए, टू मल्टीप्लाई बाय टू, सी मल्टीप्लाई बाय सी। तो ए स्क्वायर टू टू फोर सी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हम इसका यूज करेंगे। अब देखो इधर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इसके जो इक्वल में लिखा है हम इन दोनों को इक्वल में रख देंगे क्योंकि ये दोनों ए स्क्वायर के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर। इसके बाद में हमने इस वाले टू को इधर नीचे हमने ट्रांसफर कराया इधर आर एच एस में, तो ये कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर हो गया। आया समझ में आता, अब यही वाली सेम चीज होगी हमने वापस से, पहले हमने ए के लिए किया था ये, अब हम बी के लिए करेंगे। तो देखो आप टू सी स्क्वायर इज इवन, टू सी स्क्वायर इवन है, कैसे है, क्योंकि ये टू का मल्टीपल है, टू आ रहा है इसमें यानी कि ये इवन है। ठीक है, इवन है इस और बी स्क्वायर इसके इक्वल में लिखा हुआ तो बी स्क्वायर भी इवन होगा। ठीक है, अब बी स्क्वायर इवन है तो बी भी इवन होगा, ए स्क्वायर इवन था तो ए भी इवन था। आया समझ में, तो इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बना लिया, किसको, बी इज इवन, सॉरी थर्ड इक्वेशन बना लिया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ये वाली। थर्ड इक्वेशन कौन सी हो गई, ये वाली। थर्ड इक्वेशन ये हो गई कि बी स्क्वायर अगर इवन है तो बी भी इवन होगा, ए स्क्वायर इवन तो ए भी इवन होगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि ए और बी जो है वो दोनों टू के कॉमन फैक्टर है, पर हमें स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि ये दोनों कोप्राइम है यानी कि वन के अलावा किसी के टेबल में नहीं आते। अब ये बोल रहे हैं कि ये टू के कॉमन फैक्टर है,
इसका मतलब जो हमने सपोज अब अज्यूम किया था वो रॉन्ग था। हमने क्या अज्यूम किया था कि रूट टू रेशनल नंबर है, इसलिए हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, रूट टू इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पे कभी बोल रहे कि कॉमन फैक्टर वन है कभी टू, तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। तो ये क्या हुआ, रूट टू इरेशनल नंबर। अब इसके बाद हम टू टर्म्स वाला इरेशनल नंबर को प्रूव करने का क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ये दो टर्म वाला है हमारा, दो टर्म कैसे है, एक ये हो गई एक ये हो गई, दो टर्म हमारी इरेशनल में, ठीक है। ये उससे इजी है, हमारे सिंगल टर्म वालों से इजी होते हैं ये वाले क्वेश्चन, देखो इधर। तो उसकी उसी वाले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि 3 + √5 रेशनल नंबर है। हम गलत अज्यूम करते हैं ताकि हम जो प्रूव कर रहे हैं वो हम प्रूव कर सकें, ठीक है। तो देखो अगर ये इरेशनल है तो दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है, ए और बी, उसी की तरह, क्योंकि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, तो हमने उसी फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है। जहां पे ए और बी को प्राइम है, को प्राइम यानी कि ये सिर्फ वन के कॉमन फैक्टर है। अब हम वन के कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं, सिर्फ को प्राइम ही क्यों बोलते हैं, ताकि ये आपस में कैंसिल ना हो, ठीक है, ताकि आपस में कैंसिल ना हो। अब हम क्या करेंगे, हमने इस थ्री को आर एच एस पे शिफ्ट कर दिया, इधर आर एच एस पे शिफ्ट कर दिया, तो हमारा माइनस का साइन आया है, यहाँ पे इधर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो एलसीएम लिया आपने, एलसीएम लिया तो थ्री भी हो गया इधर, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमें पता है रूट फाइव इरेशनल होता है, रूट टू रूट थ्री, यानी कि बेसिकली रूट वाले जो पार्ट होते हैं वो इरेशनल होते हैं, हमारे इरेशनल चीजें होती हैं वो, ठीक है। अब इधर देखो ए माइनस थ्री बी अपॉन बी, ये किस फॉर्म में है, हमारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, इसमें बी जीरो भी नहीं है और ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है दोनों, तो इसका मतलब ये वाली साइड क्या हुई हमारी, पूरी रेशनल हो गई, और ये वाली साइड क्या हो गई हमारी, इरेशनल, ठीक है। इसका मतलब कुछ गलत हुआ है इसमें, इक्वल तो हो ही नहीं सकते हैं, अगर ये इरेशनल है इरेशनल इक्वल कैसे हो गया, ठीक है। तो देखो आप कैसे करेंगे इसे, तो देखो ये वाला पार्ट तो हमारा इरेशनल है, ये वाला पार्ट रेशनल है, क्यों, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये क्यों रेशनल है, ये सारी रेशनल नंबर की है जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, यानी कि एन अपॉन डी जो भी है, इसमें बी कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कि क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं है, क्योंकि ये को प्राइम है, ठीक है। और पी और क्यू हमने स्टार्टिंग में लिखा था, ये हमारे यानी ए और बी क्या है, हमारे इंटीजर्स, ठीक है, ए और बी हमारे क्या है, इंटीजर्स। तो ये तीनों हमारी जो है रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो जो हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन की थी कि 3 + √5 इज रेशनल, वो रॉन्ग है। इसका मतलब हमारा 3 + √5 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो मैंने गलती से रेशनल लिख दिया था, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने प्रूव कर देते हैं, अब हम करेंगे एक क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें हमें दो इरेशनल नंबर दिए हुए होंगे और उनमें से हमें कोई इरेशनल नंबर उनके बीच में से कोई फाइंड करना है, ठीक है। हैव अ लुक, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब देखा जाए तो 1/7 और 2/7 इनमें डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है ही, 7 है, और 1 और 2 में भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो अब कैसे निकालेंगे इसे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे इस वाले के लिए, और 2 को 7 से डिवाइड करेंगे इस वाले के लिए, देखो आप कैसे करेंगे। देखो पॉइंट लगाया हमने, डेसिमल लगाया, यहाँ पे 0 ऐड किया, 7 × 7 बी बचा, 0 ऐड किया, 7 × 4 = 28, 2 + 0 ऐड किया, 7 × 2 = 14, 6 + 0 ऐड किया, 7 × 8 = 56, 4 = 0। इसी तरह से आप इसे सॉल्व करोगे, तो जब तक ये नंबर्स रिपीट ना होने लग जाए तब तक आपको सॉल्व करना होगा। अब क्या होगा, इसका बार क्यों लगी हुई है, सबसे बड़ी बात, इसमें ऐसे डैश क्यों लगी, इसको बार कहते हैं हम, तो इस पर ऐसे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि देखो एक टाइम के बाद ही नंबर रिपीट होने लग जाएंगे, 0.142857, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 7, ये इस तरह से रिपीट होने लगेंगे,
ठीक है, इसलिए हमने इन नंबर के ऊपर बार लगाई, यानी कि जो नंबर रिपीट होंगे उनके ऊपर हमने ऊपर के बार लगाइए, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इस वाले के लिए किया, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो आप फर्स्ट डिजिट देखो इसका वन है, सेकंड डिजिट फर्स्ट इसका टू है, यानी कि इसका वन है फर्स्ट डिजिट, इसका टू है। अब इसका सेकंड डिजिट देखो 14 हो गया एक तरह से, ये वाला पार्ट पूरा ये हो गया 28। अब आप देखो 14 से 28 के बीच में आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हो, आप चाहते ही लिख सकते हो 0.152857, 0.162857, या फिर 0.275714, मतलब बहुत सारे, कोई भी आप नंबर लिख सकते हो। हमें कोई भी एक नंबर लिखना है, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, इसके ऊपर आपको बार लगानी होगी सबके ऊपर, ठीक है। कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर है। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, पर दो तीन बार समझने में आ जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।